हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता एमसीक्यू पार्ट टू। कल इससे पहले हमने पार्ट वन के अंदर में 30 क्वेश्चन देखे थे। 30वां क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था, ठीक है, तो वो वीडियो के सभी लोगों ने जो मैंने क्वेश्चन पूछा था लगभग सभी लोगों ने सही आंसर दिया था। तो आज इसका हम पार्ट टू करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा पार्ट टू भी, ताकि सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं तो वो आपसे बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। ठीक है, उससे पहले वही एक बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और सामने जो बेल का आइकन है इसको भी जरूर प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, तो देखते हैं कल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे। 30 क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे, उससे आज आगे जो है 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमने कहाँ तक किया था, देखिए हमने यहाँ तक कर लिया था। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बने जाते हैं, तो आप सभी को मालूम है कि ईंटों से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते हैं, और लगभग बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ हुई थी। इससे पहले भी मैंने ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताया था। इस प्रकार भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी को मालूम है कहाँ पर हुई थी, लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में, और लोथल में एक बंदरगाह है जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, मतलब कि जैसे कि ये मुद्रा है, मुद्रा में किसकी जो है चित्र जो है बने हुए होते हैं, ठीक है, किसके समतुल्य जो है चित्र अंकित किया गया है, ठीक, यह मिलता है। तो यहां पर आएगा इसका सही आंसर शिव जी जो है उनके समतुल्य जो है क्या मिलता है, चित्रांकन। ठीक, उसके बाद 33वां क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो किस पशु के अवशेष जो है नहीं प्राप्त हुए, तो शेर के अवशेष जो है वो प्राप्त नहीं हुए हैं। 34वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग, तो आप सभी को मालूम है कि इनके इष्ट देवता जो थे या देवी जो थी वो थी मातृ शक्ति, तो इनमें ये जो है बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। उसके बाद है हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी, ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से देश पर काबिज नहीं थी। तो भारत में थी, पाकिस्तान में थी, अफगानिस्तान में थी, लेकिन ईरान में नहीं थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ईरान। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है, तो आप लोगों का जो है आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है 10.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में, अभी आप लोगों ने बहुत सुना होगा राखी गढ़ी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो है खुदाई, जो है खुदाई का काम जो है वो चल रहा है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि राखी गढ़ी कहाँ पर है। ठीक है, तो ये है हरियाणा में, कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ये आप सभी लोगों को शुरू से मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, तो आप ये बहुत अच्छे से जानते ही हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो मोस्ट टाइम पे प्रश्न है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा स्थान है अलाहदीनो। ठीक है, अलाहदीनो देखिए यहाँ पर किसको बोला जाता था, मिट्टी की बनी एक खिलौने की गाड़ी को कहा जाता था। ठीक है, और इसी के नाम पर एक छोटा सा स्थल था इसलिए अलाहदीनो, तो आपको याद रखना है। ठीक, ये ऐसा भी पूछा जाता है कि मिट्टी की बनी एक खिलौना गाड़ी का नाम क्या था, तो उसका नाम था अलाहदीनो। ठीक है, 40वां प्रश्न है कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था, तो ये भी आपको सभी को मालूम है कि पवित्र पशु कौन था, तो कुबड़ वाला बैल या एक श्रृंग युक्त पशु। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, 41वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। आप लोगों ने सुने होंगे जुते हुए खेत, ठीक है, कि साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आप सभी को मालूम है कहाँ पर मिले हैं, वह है काली बंगा। कहां पर मिले हैं, काली बंगा, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां पर मिले हैं, काली बंगा में। काली बंगा कहां है, तो राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद 42वां क्वेश्चन, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था। ठीक है, तो ये किस नदी पर स्थित था वो बताना था, ये था चिनाब नदी पर। ठीक है, चिनाब नदी कहां है, हिमाचल प्रदेश, जो पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी पर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद 43वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे, आप सभी को मालूम है कि वो कौन से रंग से रंगते थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो वो रंगते थे लाल रंग से। लाल रंग टेराकोटा आप लोगों ने सुना होगा, जब घर पे पेंट कराते हैं तो एक लाल रंग का भुरभुरा आता है, टेराकोटा जिसको कहा जाता है। ठीक है,
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? तो ये आप सभी को मालूम है, ये मैंने अभी प्रश्न जब कराए थे उसमें भी बताया हुआ है कई बार, तो ये कराए थे सर जॉन मार्शल के अगुवाई में कराया था। ठीक है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है कहां पर है वर्तमान में? तो आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन पाकिस्तान में कहां पर है, क्योंकि सभी जगह पाकिस्तान है। ठीक है, यहां देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो ये है सिंध पाकिस्तान में। कहां पर है? सिंध पाकिस्तान में अभी के टाइम पर वर्तमान में मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक, उसके बाद है हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तो आप सभी को मालूम कि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम कौन सी धातु, तांबा, तांबा का जो है उपयोग करना सीखा। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो कौन सी युग की सभ्यता मानी जाती है? तो आप सभी जानते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपको सभी को मालूम है कि देखिए यहां पर जो है मुख्य व्यवसाय तीन प्रकार के थे, मैंने पहले भी बताया था, कृषि था, ठीक है, फिर दूसरा व्यापार था, ठीक, तीसरा जो था तो वो देख लीजिएगा। तो देखिए यहां पर जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय इसके अंदर में आएगा, क्या आएगा? व्यापार। जो व्यापार था वो मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, तीसरा जो था वो था पशुपालन, सॉरी मैं भूल गया था यहाँ पर, तीसरा जो था वो पशुपालन था, दूसरा जो था व्यापार था। देखिए आर्थिक जीवन में इनका प्रथम प्रमुख व्यवसाय जो था वो था कृषि, लेकिन मुख्य व्यवसाय जब भी पूछा जाएगा तो वो था व्यापार। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सही आंसर व्यापार। तो ये तीन चीजों को आपको मालूम होना चाहिए, अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इनका प्रथम प्रमुख व्यवसाय जो था वो था कृषि, और द्वितीय मुख्य व्यवसाय जो था इनका व्यापार, और तृतीय जो था वो था पशुपालन। ठीक, लेकिन जब इसमें मुख्य हो जाएगा तो मुख्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापार। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? तो आप सभी को मालूम है, स्कूल टाइम से आप पढ़ते आ रहे हो मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है, और ये बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। कालीबंगा का क्या अर्थ है? ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आज आप लोगों को एक आंसर और देना है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है। ठीक है, कौन सा नगर है जिसको हम सिंध का बाग कहते हैं? तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, तो आज के जो है एमसीक्यू में हमने सिर्फ 20 प्रश्न ही लिए थे, तो ये टोटल मिला के पार्ट वन और पार्ट टू मिलाकर टोटल जाते हैं 51 प्रश्न। अगर ये आप 51 प्रश्न अच्छे से कर लेते हो, देख लेते हो, तो आपको ज्यादा इसके अंदर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहीं कहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा घुमा फिरा कर, तो आप उसको बड़े आसानी से जो है वो बना लेंगे। ठीक, थोड़ी तबीयत खराब है जिसके कारण से मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और ये 51 प्रश्न जो है इनको पार्ट वन और पार्ट टू दोनों को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।